यशोमती मैया के नंदलाला। मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ। आज मैं कान्हा के पीछे पीछे वन गई थी, वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। मैंने बहुत विचित्र मानव देखो वहां, जो मानव जैसा भी ना था, जो भी था ना साधारण जीव तो ना था। पर जसोदा, ऐसो कैसे संभव हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने, मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है। आप तो मेरा विश्वास करो मौसी, मैं सच्ची कह रही हूं, उसका तो सर भी विचित्र था। मैं असुर ना हूं रानी भाभी, मैं तो बंसी हूं। बंसी, तू यहां क्या कर रहा है? रानी भाभी, कान्हा ने ये पोटली और मटकी देके भेजो है ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है। तू उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गया है और जे भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है? इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है, इसका छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। बच पाएगा तू? और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सबको अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा मैं। रामलीला, पर मैं तो वत्सासुर हूँ। अब हो, पर वत्स पहले तो परमिला थे, माँ भली असुर। तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु? एक बार तुम माँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। यक्षो, गंधर्वो और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया वो मुरुप पुत्र प्रमिला असुर आपके द्वार पर खड़ा है। महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे? द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या असुर नहीं होता है प्रमिला, वो तो बस एक अतिथि होता है, और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आओ। पर वो नहीं जानते थे, अभी मान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था। आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महर्षि, परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है। हे माता नंदिनी, असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए।
विराजी असुर राज। अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हे माता नंदिनी, मेरी विनती स्वीकार करें। आरंभ करो प्रमिला। ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है, किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे। फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पाने की योजना बनाई, और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ, रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव। तो महर्षि, ये गाय मुझे दान में दे दीजिए। गाय मुझे दान में दे दीजिए। किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि? क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे? किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसिए महर्षि, ये ब्राह्मण नहीं असुर प्रमिला है, जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है। छल? मेरे साथ छल करता है दोस्त, तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा। माता नंदिनी, इसके कुकर्म का फल दीजिए। तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था, अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा। इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात वत्स बन जाएगा तू वत्सासुर, बन जाएगा तू वत्सासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा स्वरूप? मुझे क्षमा करें मां नंदिनी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मेरी रक्षा करें। मां नंदिनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए माँ। इसे क्षमा कर दीजिए माँ, इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा, उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुझ जैसे मूर्ख अभिमानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु। जब भी किसी को अपनी भूल का आभास होता है, वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है। और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो, उसके लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है। यशोदा, यशोदा, कुम्हार के यहां से दीपक ले आए हूं। हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो। वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है, और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रानी भाभी, तोरण के रूप में जे टांग दू द्वार पे? हाँ टांग दे।
अरे ठहरो, बंसी जे तोरण थोड़ी ना है, तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है। जे किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए? हम्म, तोरण क्यों टांगते हैं पता है? हे नारायण, तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा, उत्साह और दिव्यता से भरी हो, जैसे मैया लक्ष्मी। रानी भाभी, ये बात समझ में ना आई कि तोरण में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए बंसी क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींच कर बाहर निकाल देते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराते हैं, वो बात अलग। इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते। समझ में आई बात? जी समझ गए। हाँ तो समझ गए है तो जा ना, शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा। जी। यशोदा, अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल हो ना, उतना व्याकुल तो अयोध्यावासी भी ना थे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर। हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही हो तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने श्री राम, मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या? भोजन की स्मृति सता रही है आपको? अपने लल्ला की कोई चिंता ना है? सारे बालक वन में अकेले हैं, अब तो बंसी भी यहाँ आ गए हैं। नारायण ही रक्षा करे उन सबकी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गए तो? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है। श्री राम तो 14 बरस का वनवास काट कर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे, तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को, गौधुली के पहले वापस आ जाए। चिंता मत करो यशोदा, अकेले रहकर सब संभालेगो तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएगो। काना, अब इस क्षति को कैसे संभालूं? जी कैसे हो? जी वच तो हमारो ना है। जी वच तो है ही ना। जी तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है। राक्षस? सच्ची बता काना, जे तूने तो ना कियो। ठहर जा काना, हम घर लौट जाएंगे। अब पहरा देने की मेरी बारी है, आप जाओ विश्राम करो। वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है सब तुम्हारी योजना का ही भाग है और अब ये भी तुमने ही किया है ना काना? मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ? पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो, साइठा भी करो। स्मरण करो क्या है मेरा सत्य। स्मरण करो मैं कौन? बोल काना, सत्य बता, तू नहीं करो अजय इतना बड़ा वत्स, बल्कि वत्स भी नहीं, इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा काना। उज्जवल अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम। भला काना में इतनी शक्ति कहाँ जो इतने बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए? तो फिर ये किसने करो जे? ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं, है ना काना? इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है, पर सखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा।
तो फिर गाँव में ही खेलना छुपन छुपाई। उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा, पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी। नाना हम किसी को कछु ना बोलेंगे, है ना सखाओ? हाँ। क्या होगा वो सकता तो? हाँ क्यों ना कह रहा है? क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे ही भयानक राक्षस या पशु ने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो? काना है ना, मेरे कहने का अर्थ है कि श्री नारायण है ना, जैसे उन्होंने आज हमारे प्राणों की रक्षा की भविष्य में भी वही करेंगे। तो चलो और सारे के सारे खाद होली का समय हो गया है, वापस चलना चाहिए। मना तो कर दिया है पर ये सब मानेंगे? यदि इनमें से किसी ने भी भैया के सामने मेरा भेद खोल दिया तो? यशोदा आओ कछु खा ले। मैं अब और प्रतीक्षा ना कर सकती, मैं जा रही हूँ। भूखी जाओगी? हाँ। और जब कान्हा पूछेगा कि मैया आपने भोजन कियो कि ना, तो क्या कहोगी? जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी मैया उसके बिना भोजन ही ना करती, तो वो स्वयं भी भोजन ना करेगा, पूरे दिन भूखा रहेगा। यही चाहती हो तुम? कान्हा के लिए भोजन कर लो, फिर मैं स्वयं लेकर चलूंगा तुम्हें कान्हा के पास। आपने कान्हा का नाम लियो है इसीलिए खा रही हूं। तुझे कृष्ण के नाम को और जे वाला यशोदा नीलमणि के नाम का। अरे नीलमणि के नाम का मान ना रखोगी तो उसे लगेगो कि ये कृष्ण कान्हा जैसे नए नाम आ जाने से उसका पुराना नाम फीका पड़गो। स्मरण है ना तुम्हें कि कान्हा के नामकरण से पहले नीलमणि नाम ने हमारा कितना साथ दियो? तो जे तो खाना पड़ेगा। बस। और जे अपने नटखट मुरलीधर कान्हा के लिए। लल्ला का नाम ले लेके आपने पूरा भोजन करा दियो। अब चलो ले चलो मुझे उसके पास, आपने कही थी ना। हाँ यशोदा ये लो। चलो। हमने तो वापस ना लौटने का वचन दिया था अपने लल्ला को। मैं तो मैया हूँ, ममता में आके अपना वचन भूल जाती हूँ, पर गोपराज तो अपने वचन के पक्के हैं। जे इतनी शीघ्र कैसे तैयार हो गए? मरण है ना, आज जो हुआ है उसके बारे में कोई एक शब्द भी ना बोलेगा, समझ गए? हम तो समझ गए काना, और हम बताएंगे भी ना। पर इसकी मृत्यु देखकर क्या करें? यदि किसी गांव वाले ने देख लिया तो हमें तो बताने की आवश्यकता ही ना पड़ेगा। चिंता मत करो, श्री नारायण सब संभाल लेंगे। ये जहाँ से आया है वही पहुँचा देंगे इसे। वाह दाऊ, क्या सुझाव दिया है आपने। देखना तुम दोनों, जो कोई नहीं कर पाया वो वत्सासुर करके दिखाएगा, बद्ध कर देगा मेरे उस शत्रु का, विष्णु अवतार।
वत्सासुर, वत्सासुर! कैसे मारा उस विष्णु अवतार ने गौवंश को? तुमने वत्स का अर्थात गौवंश के जीव का वध किया है काना? नहीं दाऊ, मैंने तो राक्षस वत्सासुर को मोक्ष किया है। अपने कर्मों को घुमा फिरा के सही सिद्ध मत करो काना। मेरी बात सुनो, मैं दाऊ हूँ तुम्हारा। वो जो भी था, पन था तो गौवंश से ही ना। तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। ऐसे करूं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.